पीपल के पेड़ को बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली पेड़ माना जाता है। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो पीपल के पेड़ के बारे में नहीं जानता। दोस्तों, यह सड़क किनारे, मंदिर, बाग, बगीचों में बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते हैं। अधिकांश लोग पीपल के पेड़ के बारे में यही जानते हैं कि सिर्फ इसकी केवल पूजा होती है, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। पीपल के पेड़ का इस्तेमाल औषधीय रूप से भी किया जाता है और इससे कई सारे रोगों में आराम मिलता है। कई सारे पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में पीपल के पेड़ के गुणों के बारे में बताया गया है कि पीपल के प्रयोग के द्वारा रंग में निखार आता है, घाव, सूजन, दर्द में आराम मिलता है। पीपल का जो वृक्ष होता है यह खून को साफ करने का काम आता है। पीपल की जो छाल होती है वह पेट के रोगों को भी ठीक करने के काम आती है। पीपल के जो फल होती हैं वह सेक्सुअल स्टेमिना को बढ़ाने के काम आता है। गर्भधारण करने के लिए पीपल के जो फल होते हैं बहुत ही फायदेमंद होते हैं। सुजाग, कफ रोग, डायबिटीज, ल्यूकोरिया, सांसों की समस्याओं के लिए पीपल का इस्तेमाल बहुत ही लाभदायक होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पीपल के वो कौन कौन से फायदे हैं और वो कौन कौन सी बीमारियों में पीपल का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पीपल का पेड़ कुछ इस तरीके से दिखता है। काफ़ी ऊंचा होता है कि पत्ते कुछ इस तरीके से होते हैं, लाल और हरे रंग के पत्ते होते हैं। ये जो मुलायम पत्ते होते हैं यह बहुत ही फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, अगर पीपल के पहले आयुर्वेदिक इस्तेमाल की बात की जाए, पीपल के पत्तों को तोड़ने से जो दूध निकलता है दोस्तों, उसको आँख पे लगाने से आँख में दर्द की समस्या या आँख में जो जलन की समस्याएँ हैं दोस्तों, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, जो पीपल की छाल होती है वह मुंह की समस्याओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अगर आपको दांत में दर्द रहता है, उसमें सूजन हो गई है, तो पीपल की छाल और बरगद की छाल को समान मात्रा में मिला करके उसको जल में पका लें। फिर इसे दोस्तों कुल्ला करने से दांत के रोग पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, पीपल की ताजी टहनी से रोज प्रतिदिन दातून करने से दांत मजबूत होते हैं। इससे मरसूड़ों की सूजन खत्म होती है और मुंह से आने वाली दुर्गंध की समस्या में दोस्तों पूरी तरीके से आराम मिलता है। दोस्तों, जो पीपल की छाल होती है यह कुकुर खांसी यानी जो सूखी खांसी की समस्या होती है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। 40 मिली पीपल के पेड़ की छाल का काढ़ा बना करके 10 मिली की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन करने से कुकुर खांसी या सूखी खांसी की समस्या में दोस्तों पूरी तरीके से आराम मिलता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या बनी रहती है उनके लिए भी पीपल के जो फल होते हैं बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अगर आपको कब्ज बहुत अधिक मात्रा में बनी रहती है तो आपको 5 से 10 फल प्रतिदिन खाना चाहिए। इससे आपको कब्ज की समस्या में दोस्तों पूरी तरीके से आराम मिलता है। दोस्तों, पीपल के पत्तों को तोड़ने से जो दूध निकलता है यह पैरों की बीमारियों को भी ठीक करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आपके पैरों में क्रैक्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बीमारियाँ फटी हुई हैं, तो वहाँ पर इसका दूध लगाने से दोस्तों पैर की बीमारियाँ बहुत ही जल्द ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, नपुंसकता या धातु संबंधित समस्याओं के लिए पीपल का फल बहुत ही फायदेमंद होता है। 1/2 चम्मच पीपल के फल का जो चूर्ण होता है उसको दिन में 3 बार दूध के साथ सेवन करने से नपुंसकता दूर होती है, वीर संबंधी समस्याएं पूरी तरीके से ठीक होती हैं और शारीरिक कमजोरी में दोस्तों पूरी तरीके से आराम मिलता है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको कमर में दर्द की समस्या बनी रहती है तो दोस्तों उसके लिए भी यह चूर्ण बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, पीपल की नई कोपलों को खाने से दोस्तों शरीर में दाने नहीं निकलते हैं, चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है और आपका खून काफ़ी साफ हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे पीपल के कुछ बहुत अच्छे आयुर्वेदिक फायदे। आशा करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।